तो देखो तो यार, अभी तक हमने आदिमानव का जमाना, आदिमानव का एरा और पता नहीं कौन कौन से मेडिवल टाइम, अलग अलग एरा को सरवाइव कर लिया और बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रेवल करते करते हम लोग फाइनली आ चुके हैं इस आइस एज एरा के अंदर। अभी एक छोटा सा डिस्कशन। देखो ये एक टाइम ट्रेवलिंग का गेम है, इसके अंदर ऐसा होता है कि ये शुरुआत करी थी हमने जिस टाइम पे अपनी जो रियल दुनिया होती है ना, जो रियल वर्ल्ड है अपना, जिसमें अपन बहुत पहले आदिमानव थे, तो इसे शुरू किया था हमने। मतलब जितने भी अलग अलग एरा रहते ना, ये एक्चुअली एक टाइम ट्रेवल का गेम है, टाइम ट्रेवल प्लस सर्वाइवल। तो सर्वाइव और टाइम ट्रेवल दोनों करते करते हम लोग आइस एज एरा के अंदर आ चुके हैं। और अभी भी अगर आपको समझ में ना आए तो ये वाली वीडियो पूरी देखना, एंड इसके बाद में मैं इसके कमेंट में इस वाले गेम की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो तुम लोग वहां से ना इस वाली गेम की सीरीज को फर्स्ट वीडियो से देख लेना, ताकि तुमको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये गेम बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार गेम है। मतलब टाइम ट्रेवलिंग का गेम है यार, इसके अंदर अपन अलग अलग एरा के अंदर सर्वाइव करते हैं। खैर, अभी हम लोग आ जाते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। एंड देखो, अभी मैं हूं, अगर मैं आपको अपना टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस निकालूं और इसमें दिखाऊं ना, तो ये देखो हमने इतने सारे एरा अभी तक सर्वाइव कर लिए, जिसमें डायनासोर एरा भी हमने सर्वाइव कर लिया था, फिर प्रिमिटिव एरा में आए थे हम, प्रिमिटिव मतलब वही आदिमानव वाला एरा, और फिर इजिप्शियन एरा, फिर कॉलोनी बनाई थी हमने, एंशियंट भी एरा भी सर्वाइव किया हमने। अभी फिलहाल हम लोग आइस एज एरा के अंदर, ये देखो मैं टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस से अगर अपना एरा सिलेक्ट करता हूं तो मैं इसके स्पॉन पॉइंट पे आ जाता हूं। एंड इस वाले एरा के अंदर जितना मुझे याद है ना, मैंने क्या किया था, देखो यस, यहां से अपनों को जाना था। एंड यार एक बार जस्ट ना मैं तुमको अगर कुछ चीजें दिखाओ ना, तो इधर देखो भाई, ये अपन ना फिलहाल एक ऐसे एरा के अंदर है। एरा का मतलब एक पूरा जो दौर होता है ना, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 साल का, ये देखो पूरा आइस एज है, सब तरफ पूरी दुनिया अभी ना जमी हुई है बर्फ के अंदर। एंड वेट यार, नहीं 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 यार, मैं यही चीज दिखाने वाला था भाई, बाहर दिख लो। मतलब देखो एक सेकंड, मेरे को ना ये लेने दो अपना टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस, एंड आइस एज पर क्लिक करते हैं तो अपन आ जाएंगे शिप के ऊपर, आ जाऊंगा मैं। एंड पता है मैं क्या चीज दिखाने वाला हूँ, जस्ट एक बार ना ये देखो, मतलब मैं भी एक शिप के ऊपर, इसके मैं शिप को चला भी सकता हूँ। ओके, इस शिप को मैं चला के लाया था एक्चुअली, पता नहीं कहाँ से ये शिप मैंने क्राफ्ट किया था, बहुत ही बड़ा सा जो टाइटन जैसा शिप है ना, ये मैंने खुद से बनाया था मैंने। इसको मैं लेके आया था यहाँ पे, क्योंकि वो जो पोर्टल दिख रहा ना तुम्हें ब्लैक होल जैसा, उस पोर्टल के अंदर जाना है अपनों को अभी फिलहाल। यहाँ पे ना ओशन देखो, मतलब सीरियसली मैं अभी देख रहा था इसको, इसके अंदर जाने से मेरे को सच्ची डर लग रहा है। मतलब तुम्हें हो सकता है ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या नौटंकी है, बट भाई देखो यार इसके अंदर अपन कैसे जा, अरे नहीं वेट वेट, अब इसके अंदर कैसे जा सकते हैं यार अपन, मतलब कितना ये डरावना, मतलब कितना हॉरर नजारा है, सोचो। मतलब हॉरर मतलब भूतिया नजारा नहीं है, लेकिन एक बार जस्ट सोचो ये पूरा सुनसान ओशन है। ओके, मतलब सब कुछ जमा हुआ है बर्फ के अंदर। एंड जैसे ही मैं अगर पीछे आऊँ तो ये देखो भाई अपन डूब रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर निकलो यहाँ से यार। ऑलराइट, खैर अपन थोड़ा सा ये अपने अपनी काफी अच्छी चीज है कि अपन आदिमानव से इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि अभी मस्त अपन पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। ये देखो ये पूरा शिप अपनों ने बनाया था पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने देखी हो तो देख लेना वो वीडियो, ये सीरीज देख लेना तुम शुरू से, तुमको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड ये बहुत ही प्यारी सीरीज है, ट्रस्ट मी। ओके लेट्स गो, मेरे को फिलहाल ऊपर जाना है, तो मेरे को ऐसे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे पैराग्लाइडिंग करते करते ओके। एंड ये देखो फूड नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे को भूख लगने लग गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपने बैग के अंदर ये देखो यहाँ पे रो खाना पड़ा हुआ है, मेरे को पता भी नहीं दरअसल क्या क्या पड़ा हुआ अपने पास में, क्या नहीं है। यहाँ पे ब्रेड पड़े हुए तो मैं ब्रेड खा सकता हूँ। एंड देखो इधर से ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं है यार, तो मैं क्या करता हूँ बताएं, मैं पहले शिप पे जाता हूँ। ओके, एंड अभी अपन इस जगह से पैराग्लाइडिंग करते हुए वेट इधर आएंगे। एक्चुअली इस जोन तक अपन आ चुके थे, यहाँ से ना अपन एक नए एरा के अंदर जाने वाले, अपने को इस पोर्टल के अंदर जाना है। वेट 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 वेट, ये देखो यहाँ पर मैं पैदल पैदल नहीं जा सकता हूँ, मतलब तुम्हें पता है ना ये पोर्टल शायद अब वर्म होल है या फिर कौन सा होल है वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये एक टेलीपोर्टेशन वाला, टेलीपोर्टेशन नहीं बोलेंगे अपन, टेलीपोर्ट थोड़ी कर रहा है वो अपने को, वो अपने को ट्रांस वो कर रहा है ना एक तरीके से टाइम ट्रेवल करवा के। तो इस पोर्टल के अंदर अगर अपन कूदेंगे ना, तो क्योंकि मैं कूद चुका था इसके अंदर तो मेरे को पता है, इस पोर्टल के अंदर कूदेंगे तो ये अपनों को एक नए एरा के अंदर पहुंचाएगा। अब देखो यार जितना मेरे को पता है ना, इस पोर्टल के अंदर अगर मेरे को जाना है ना, तो मेरे को जरूरत पड़ने वाली है एक एयरक्राफ्ट की, और मुझे पता है एयरक्राफ्ट, देखो यहाँ से जो क्राफ्टिंग मेनू है ना, ये रह गया एयरक्राफ्ट, तो अभी तो मेरे पास इसके सामान नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट ना अपने जहाज के ऊपर बना रखा था, जहाज के ऊपर मतलब लास्ट वीडियो में बनाया था अपनों ने, जिस एयरक्राफ्ट से अपनों ने ट्रेवल किया था यहाँ पे। अब शर्त है कि अपन ये जहाज के ऊपर फिर से कैसे जाऊं मैं यार, वेट मेरे को किसी ना ऊंची हाइट पे जाना पड़ेगा पहले, देख रहा हूँ ये चीज। वैसे मैं चाहूँ तो अपने टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस से भी जा सकता हूँ वहाँ पे, बट मैं चाह रहा हूँ कि अपन ये ट्राई करें। ये देखो मैं शिप की हाइट पे आ गया हूँ ना, अब देखो अभी मैं अगर यहाँ से ये करता हूँ ना पैराग्लाइडिंग, तो मैं बड़ी ही आसानी से, ओ वीट 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 वीट, नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे,
एंड ये देखो आ गए ना ऊपर। तो ये जो पैराग्लाइडर बनाया था ना अपनों ने, ये बहुत ही सही बनाया था। जो अपना एयरक्राफ्ट है ना वो ये पड़ा हुआ है भाई इधर साइड में। लेट्स गो, इसको राइड करते एंड इसको उड़ाते। इसी की मदद से मैं जा सकता हूँ उसके अंदर, अदरवाइज अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अपन डायरेक्ट नहीं जा सकते। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे आराम से अपन उड़ा के थोड़े मजे भी ले सकते हैं इसके अंदर, इस एयरक्राफ्ट के। बट यार ये जो एरा है ना, इस एरा के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं यार, पूरा दुनिया तो बर्फ में जमी हुई है, तो अपन क्या ही देख लेंगे यहाँ पे ना। लेट्स गो, 3 2 1 बूम। एंड अभी देखते मैं कहाँ पे आ गया हूँ। वेट, ये क्या हुआ? रुको, मैं अच्छे से नहीं जा पाया उसके अंदर। अरे वेट, ये क्या गिर गया भाई? खाना खाओ पहले। यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो जितना इस पोर्टल के पास जा रहा हूँ ना, मेरे को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। लेट्स गो, अभी हो चुका है अपना टाइम ट्रेवल सफल। ओके, ये देखो प्लेन अपना क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से, यानी कि जाने के कोई आसार नहीं है। एंड इस जगह तक अपन आ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। और ये जो जगह है ना, एक्चुअली नया मॉडर्न एरा, एक्चुअली जो मॉडर्न, जो अपन जिस एरा में रह रहे हैं ना, मॉडर्न एरा, ये वो एरा है। लेकिन तुम जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी चीजें अपनों को दिख नहीं रही है, बस एक बड़ा सा कासल दिख रहा है। कासल बोले या फिर क्या बोले। एक बार ना इधर इसके अंदर चलते, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि और कुछ तो है नहीं। अपनों को ना इसके अंदर ही जाना पड़ेगा, वहीं से अपना ना आगे का कुछ ना कुछ दिखेगा अपनों को। वेट, यहाँ पर देखो एक बार यार, ये खोड़, ये पूरा ना ये बिखर चुका है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कौन सा एरा बोलेंगे अपन, क्या इसको एंशियंट एरा बोल सकते हैं क्या अपन? मतलब एंशियंट टाइम में थोड़ी ना थे क्या ऐसे राज्य वगैरह और ये सारी चीजें। कहने का मतलब ये जो भी एरा था ना, ये एरा भी खत्म हो चुका है एक तरीके से। ये देखो यहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ हुए होंगे, एंड इधर देखो पत्थर वगैरह, और जिस हिसाब से महल ये टूटा हुआ ना पूरा कासल, ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एरा है ना ये भी खत्म हो चुका है। और अपन प्रॉपर मॉडर्न एरा की शुरुआत होने वाली है अभी। मॉडर्न जो अपना जो फ्यूचर अभी वाला जिस एरा में अपन जी रहे ना, उस दौर की शुरुआत होने वाली है। खैर चलो अपन अंदर चलते। वेट यार, ये देखो इन लोगों ने भी इतना खतरनाक बना रखा था क्या? मतलब ये सोचो ये बहुत पुराना टाइम है, पर यहाँ देखो कितना ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम बना रखा है। मतलब मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा एंड गेट खुल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा शायद कि यहाँ पे प्रेशर प्लेट होगी, कि जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा ना तो गेट खुल जाएगा। खैर अपनों को क्या करना है उससे। आप एंड अंदर तो अंधेरा है, थोड़ा अपन रोशनी में चलते हैं। एंड वेट, वॉट, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ये छाया क्यों आती जा रही है? कुछ ढूंढने आए अपन शायद यहाँ पे। ये देखो रेत पड़ी हुई है यहाँ पे। वेट एक बार देखो यार, तो दिख तो रही है ना चीजें सही से, पर जो भी है इधर देखो यार, अपने को और आगे जाना है। खैर लेट्स गो, बिल्कुल इधर तो नहीं देखते और अपन सीधे सीधे भागते डायरेक्शन में। ऐसे वैसे देखने का ना यहाँ पे काफी सी चीजें, जैसे अगर मैं एक्सप्लोर करूँ ना इधर उधर, तो देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट क्या ढूंढो यहाँ पे, रेत ही रेत है खाली। तो लेट्स गो अपन सीधे सीधे चलते। ओके वेट, अभी कहाँ जाऊँ यार? इधर उधर से आया हूँ ना मैं, या फिर इधर से आया मैं? एक सेकंड रुको, इधर से नहीं आया शायद, मेरे को लगा या ओके हाँ, ये देखो ये गेट खुला था एंड उस ब्रिज से आए अपन अंदर। ओके तो ये जो एरा है ना जिसमें अपन मैं फिलहाल हूँ, यहाँ पे अपना ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करना है अपने को। यहाँ पे अपन को लग रहा है कुछ ना कुछ ना सामान लेने आए, एक आध सामान जो अपने को जरूरी है। मेरे पास पैराग्लाइडर भी है वैसे, मैं उड़ उड़ के भी तो जा सकता हूँ, क्या दिक्कत है? लेट्स गो वेट, ये लेने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ है, इसको लेट्स गो पिक करते एंड डन। सन आर्टिफैक्ट, वेट मेरे को क्या मिला है? ये मिला है मेरे को सन आर्टिफैक्ट, इसका पढ़ू क्या मैं आखिर क्या है? ओके तो सन आर्टिफैक्ट ये देखो, ये पूरा ट्री है। ट्री से अपने को चीजें पता चलती है कि अपने को किसी पर्टिकुलर एरा के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। तो इस एरा के अंदर अपने को सन आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना था, जो कलेक्ट हो चुका है। अभी मेरे को अपने एरा के अंदर जाके ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीट, पर तब समझ में नहीं आया मेरे को कम्प्लीट कैसे हो गई, मैंने कम्प्लीट तो करी नहीं थी इसको एक्चुअली शायद ना। कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को एक्टिवेट करूँगा ना, तो यहाँ पे जो आइस एज अंडरग्राउंड आ रहा है ना, ये शायद इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी कम्प्लीट हो चुकी है। बट खैर छोड़ो, मैं तो फिर से कर रहा हूँ भाई, मैंने कम्प्लीट तो करी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे को अपने जो इंडस्ट्रियल एरा है ना उसके अंदर जाना है। ये जो अपना टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस है ना, कहाँ गया पे, इसको मेरे को अपग्रेड करना है वहाँ पे। तो लेट्स गो, इसी की मदद से चलेंगे अपन जल्दी से इंडस्ट्रियल एरा के अंदर। इस एरा का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे अभी अपना और कोई भी काम नहीं है। तो लेट्स गो जल्दी से चलते इंडस्ट्रियल एरा के अंदर। अभी अपने को वहाँ पे जाके ना अपना टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस अपग्रेड करना है। ऑलराइट, तो ये देखो भाई, ये है हमारा इंडस्ट्रियल एरा। इंडस्ट्रियल एरा एक्चुअली वो एरा हमने बनाया था जिसके अंदर सारी चीजें हमने ऑटोमेट कर दी थी। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जायंट मशीन लगाई थी हमने, जो कि कोल का प्रोडक्शन करती है। ऐसी ऐसी मशीन हमने वहाँ पर भी लगाई थी, जो कि अरे यार मैं पैराग्लाइडर यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ओके खाना खा लेते पहले। ओके एंड ये देखो भाई, ये ओन मशीन है
जो स्टोन यानी कि जमीन से पत्थर निकालती है, पत्थरों की माइनिंग करती है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या है इसके अंदर देखिए, ओके ये लेदर बनाने की मशीन है, इधर ये रही इंडस्ट्रियल फर्नेस, इसके बाद इधर ये खाना पकाने की मशीन आई थिंक से, वेट इसके अंदर खाना पड़ा होगा शायद से। एंड ओके ये देखो और कुक्ड एनिमल मीट, इसके अंदर मैं और भी कुक कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ ना तो ये देखो जितना भी रो खाना पड़ा हुआ ना मेरे पास में ये सारा कुक हो जाएगा अभी फटाफट से। और इधर देखो भाई बहुत ही बड़ा सा, एंड यहाँ पे प्लेन कहाँ से आया यार, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। ये तो उन्होंने आइस एज एरा के अंदर बनाया था ना, यहाँ पे आई डोंट नो शायद मैंने ना इस एरा के अंदर घूमने के लिए बनाया हो कभी। ये देखो इसके अंदर अपन राइड कर सकते हैं बड़ी मस्त तरीके से, क्योंकि देखो इससे ट्रेवल करना कितना आसान है यार ये देखो। बट वेट वेट वेट, ये प्लेन तो क्रेश ही होने जैसा लग रहा है मेरे को, उतरो भाई उतरो इससे। और राइट तो ये देखो यहाँ पे ये जो अपना फर्नेस है ना, इस फर्नेस के अंदर हम लोग अपना जो ये टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस है ना इसको सन आर्टिफिकेट की मदद से इसको क्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो यार अपना काम डन हो चुका है, यहाँ पे अपना जो टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस था वो अपग्रेड हो चुका है। टेक ट्री देखो तो यहाँ पे देखो अभी अपना जो अगला ऑप्शन है ना वो है इंडस्ट्रियल माइनिंग बनानी अपनों को। तो चलो यार मैंने फटाफट से टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस अपने अपग्रेड कर दिया है, अभी जस्ट इसका यूज करते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे कोई सा भी नया एरा खुला नहीं है, यही एरा दिख रहा है मेरे को, आइस एज अंडरग्राउंड। लेट्स गो इसके अंदर ही चलते एंड देखते कि ये कौन सा नया है। मुझे लग रहा है कि ओके एंड हम लोग आ चुके हैं आइस, अरे यार मैं समझ गया इसका नाम भी तो ये सही है, देखो नाम पढ़ू ना इसका तो आइस एज ही है लेकिन अंडरग्राउंड है अपन, मतलब जो जमा हुआ बर्फ है ना पूरा, पूरी जो दुनिया जमी हुई है बर्फ के नीचे, अपन उसके अंदर आ चुके हैं। वेट में यहाँ से किसी तरह, ओ वेट मैं तोड़ सकता हूँ इनको, नाइस पे। एंड ये क्या पड़े हुए, ये डायमंड है क्या चमकते हुए आइटम, एंड मैं अंडरग्राउंड हूँ मैं बाहर कैसे जाऊँगा, वेट ऐसे तोड़ तोड़ के क्या, बट इसे तोड़ने से पता है क्या मेरी हेल्थ डाउन हो रही है। एंड वेट अच्छा मैं इसे गली बना के ना आराम से यहाँ से निकल सकते हैं अपन, बट फिलहाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे डायमंड दिख रहा है मेरे को या फिर डायमंड जैसा कुछ दिख रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं पिकेक्स वगैरह से, क्या मैं तोड़ पा रहा हूँ क्या इसको, नहीं तोड़ पा रहा हूँ यार, बंदूक की गोली मारूँ क्या, ओके इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, आ किया जाए। अच्छा वेट यार एक चीज देखो, मेरे पास इंडस्ट्रियल ड्रिल पड़ी हुई है, ड्रिल इनटू द अर्थ, पर ये मैंने कब बनाई यार, मुझे सच में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि वो यार 4 महीने पुरानी बात है, 4-5 महीने पुरानी बात, हो सकता है मैंने बनाई हो। ये देखो इंडस्ट्रियल ड्रिल, ये अभी इंडस्ट्रियल फर्नेस के अंदर जब अपन टाइम ट्रेवल डिवाइस को अपग्रेड कर रहे थे ना तो वहाँ पे यही चीज बनाने का ऑप्शन आ रहा था अपने को। एंड वेट ये देखो ड्रिल मशीन से मैं कितना फास्ट इसको माइन कर सकता हूँ, एंड ये डायमंड है क्या, रुको इसको माइन करके देखता हूँ मैं इससे। एंड यहाँ पे एक नया पत्थर निकल के आया है जो कि कोल, एंड ये है ओ वेट ये रह गया डायमंड, एंड इधर भी कोल है, इसका मतलब अरे सही है यार ये तो इस इंडस्ट्रियल मशीन से मैं बहुत फास्टली माइन कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड मेरे को यही माइन करना था। अगर मैं टेक ट्री भी देखूँ ना, ओ वेट ये देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, ये इंडस्ट्रियल माइनिंग दिख रही है ना, तो अपने को ये माइनिंग मशीन बनानी थी एक जो कि अपनों ने ऑलरेडी बना रखी है। उसके बाद में यहाँ पे ओ देखो इंडस्ट्रियल ड्रिल की मदद से अपने को डायमंड माइन करने थे, वो भी कर लिए अपनों ने। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा ही कर लूँ क्या, वैसे मेरा बैग देखूँ ना अगर मैं तो यहाँ पे 10 डायमंड 102 कोल एंड ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ से बाहर निकले क्या, ओके वेट एक काम करता हूँ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मेरे सामने कोल आ रहा है, कोल का क्या करूँ यार, कोल की तो पूरी फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने, आई मीन माइनिंग मशीनें लगा रखी थी बड़ी बड़ी, कोल का क्या करना है। इधर से चलते हैं अपन, तो यहाँ पे बीच रस्ते में डायमंड आ रहे हैं बहुत सारे, बूम बूम डायमंड। अगर मेरे को बहुत और भी ज्यादा फास्ट डायमंड को माइन करना है, डायनामाइट क्राफ्ट करने पड़ेंगे, तो वो डायनामाइट मतलब बॉम्ब, ओके पटाखे, तो वो अगर यहाँ पे फोड़ेंगे ना अपन तो और भी स्पीड से अपने को डायमंड मिलेंगे। वैसे मेरे पास कितने डायमंड है अभी, वेट अब 10 डायमंड, डायमंड की जरूरत पड़ने वाली है क्या, आई डोंट नो यार, मैं यहाँ से क्या करना है अपने को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ वेट यहाँ पे आयरन और भी दिख रहा है मेरे को, आयरन ले लूँ क्या यहाँ से, ओके आयरन भी ले लेते हैं। एंड वेट एक और डायमंड, तो डायमंड ड्रिल मशीन से भी मिल रहा है बट बहुत धीरे मिल रहा है, बट ठीक है यार अपने पास में क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन है ना, आई मीन ड्रिल मशीन, तो अपन इसकी मदद से ना पूरी आइस एज खोद देंगे। ये देखो एक और डायमंड मिल गया अपने को, अभी तक अपन सिर्फ आयरन और गोल्ड के साथ काम कर रहे थे, एंड क्या हुआ था अभी अपन फोकस करते अगली चीज की तरफ, और अभी अपने को बनाना है टॉप टायर के इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए मेरे को ना थोड़ा सा सबसे पहले तो जो अपना इंडस्ट्रियल एरा है ना उधर जाना पड़ेगा, तो लेट्स गो एक बार दोबारा से टाइम ट्रेवल करते। अभी देखो सीन क्या है कि हमको बनाना है टॉप टायर के इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जो डायमंड है ना इनको स्मेल्ट करने पड़ेंगे। अब स्मेल्ट डायमंड को स्मेल्ट करने से क्या बनता है पता नहीं, डायमंड ही बनेगा शायद गला के, तो उसके लिए ना मेरे को सबसे पहले डायमंड का एक फर्नेस बनाना पड़ेगा, ऐसा फर्नेस जो डायमंड को स्मेल्ट कर पाए। अभी तक जो अपने पास में फर्नेस है ना वो जैसे ये फर्नेस है, तो ये सिर्फ मैक्सिमम आयरन को ही कर सकता है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना तो आयरन और गोल्ड ये दो चीजों को कर सकता है बस खाली स्मेल्ट, ये अपने को डायमंड स्मेल्ट नहीं कर सकता है। वेट यहाँ पे दिख तो रहा है यार,
डायमंड इंगट, वेट मैं करूँ क्या? ओके वेट, ये कर तो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? रुको रुको मैं इसके अंदर डायमंड डाल देता हूँ सारे। तो ये देखो यहाँ से डायमंड अपने स्मेल्ट हो रहे हैं, बहुत ही शानदार। लेट्स गो, इनको स्मेल्ट होने देते हैं। अभी अपनों को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने के लिए अपनों को क्या चाहिए? तो अपनों को सर्किट बोर्ड के साथ क्राफ्ट करना है डायमंड को, शायद से सर्किट बोर्ड अपने को मिलेगा। मैंने एक सर्किट बोर्ड की भी वो लगाई थी, शायद मशीन लगाई थी। वेट उधर चलते एंड मैं सोच रहा हूँ अपने जो एयरक्राफ्ट है ना उससे चलते। मैं चाहूँ तो पैदल पैदल भी भाग सकता हूँ, बट पैदल पैदल क्यों भागना यार? तुमने अगर देखा हो पुराने वीडियोस के अंदर तो अपन काफी पैदल भाग लिए इस गेम के अंदर। ओके भूख लग रही है अपने को, लेट्स गो खाना खाते। ओके चलो प्लेन उड़ाते अपना मस्त। अरे यार ये कैसे उड़ रहा है ये प्लेन? ओ नहीं 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 नहीं, ये क्रैश होगा अभी। ये प्लेन उड़ाना ना सच में बहुत ही ट्रिकी टास्क है। ये माउस से कंट्रोल होता है प्लेन, इसलिए बहुत। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अभी रुक जा। रुको यार मेरे को उतरने दो, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा, उधर क्रैश हो गया जाके। ओके वेट मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए। यहाँ पे ना दो दो फैक्ट्री लगा रखी है मैंने, और ये फैक्ट्री है अपनी कोल की या नाइलोन की। ओके तो इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, मेरे को फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए। ओके यहाँ पे देखो इस जगह ना इस जोन में काफी सारी फैक्ट्रियाँ लगा रखी है अपने। अपन बोल आराम से वेट 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 उतरो उतरो उतरो। ये है प्लास्टिक की फैक्ट्री। ओके यहाँ पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, ये लिक्विड प्लास्टिक। ओके तो यहाँ अच्छा लिक्विड प्लास्टिक को ही अपन प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट्री है इथेन प्रोड्यूस कर रही। ओके तो इससे भी अपना कोई काम नहीं है यार, मैंने कभी लगाया नहीं दिया ऐसी कोई सी फैक्ट्री। सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चर ये रह गया है, ये मैंने बनाया नहीं अभी तक, ये ऐसा दिखता है कुछ। इसके लिए मेरे को स्टील इंगट चाहिए जो है मेरे पास में, और पत्थर चाहिए। लेट्स गो, पत्थर की अपने बहुत ही शानदार फैक्ट्री लगा रखी है। मेरा एरोप्लेन कहाँ है बे? एरोप्लेन, बिना एरोप्लेन के नहीं जाऊँ मैं। ओ मेरा एयरक्राफ्ट ये रह गया। ओके ठीक है लेट्स गो, इसके अंदर बैठते हैं। नाइस, अरे बैठ जा। इतनी अजीब कंट्रोलिंग है ना इसके सही में। वैसे मेरे को इतना ही दूर जाना है सही में, तो ये यहाँ पे आके बस इसके अंदर पड़े हुए अपने पत्थर, ये देखो यहाँ पत्थर माइन हो रहे ना। लेट्स गो ये सारे ले लेते हैं एंड इससे बन जाएगा। ओके थोड़े और चाहिए मेरे को। एंड मैं क्या देख रहा हूँ कि ये भी शायद चलेगी, तो देखो पावर लाइन से ही, तो मेरे को इसको यहीं पर लगा दूँ क्या? चलो यहीं पर लगा देते इसको, तो ये डायरेक्टली ना उस खंबे से कनेक्ट हो जाएगी। अभी इसको क्राफ्ट करना पड़ेगा अपने को अपने पिकेक्स की मदद से। तो चलो ये हो गई क्राफ्ट। पहले मेरे को सर्किट बोर्ड बनाना पड़ेगा यार। वेट यार, ये मशीन जैसे दिख रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये मशीन बनाई तो है, अभी मेरे को समझ भी नहीं आ रही कहाँ पर। वेट ये रह गई यार, ये मशीन मैंने बना रखी थी पहले, ये देखो सर्किट बोर्ड, पर बहुत साइड में पड़ी थी ना तो अपने चेक ही नहीं करी उसको। हाँ मैं सोचू यार सर्किट बोर्ड का तो मैंने बनाया था पहले, बट खैर छोड़ो अभी आते हैं। अपने को बनाना है प्लास्टिक, आई मीन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो। इसके लिए मेरे को प्लास्टिक चाहिए और 30 डायमंड। तो चलो मैं दोबारा से उधर चलते। यहाँ पे एक फैक्ट्री ऐसी है जो प्लास्टिक, ओके वो जो प्लास्टिक थी ना लिक्विड प्लास्टिक और प्लास्टिक, वहां तक चलना है अपने को प्लास्टिक लेने के लिए। तो देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, अभी जिस स्टेज पे अपन है ना अभी चीजें बहुत सिंपल हो गई। मतलब तुम देख रहे होंगे कि यार ये तो बहुत फास्ट फास्ट चीजें हो रही है, अपन कहीं पे भी जाके जो सामान चाहिए वो तो अपने को सीधा सीधा मिल रहा है। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये शुरुआत में उन्होंने कितने बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी इन सब चीजों को बनाने में। ओके लेट्स गो, यहाँ पे बहुत सारा दुनिया भर का प्लास्टिक है, इतना ले लेते हैं अपन। ये गेम ना ऑलमोस्ट शायद मुझे तो लग रहा है कि कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि देखो मॉडर्न एरा के लगभग तो अपन आ चुके। मॉडर्न एरा मतलब वो एरा जिसमें अब देखो अपने एयरक्राफ्ट बना लिया है, इतनी सारी मॉडर्न चीजें बना ली है। अभी थोड़े टाइम में अपन मतलब कुछ ही टाइम के बाद अपन स्पेस की चीजें भी बना लेंगे, यानी कि रॉकेट वगैरह उसकी मदद से अपन स्पेस पे चले जाएंगे। तो फिर बचा क्या है? फिर क्या फ्यूचर तक भी ले जाएगा क्या ये गेम अपने को? खैर चलो अभी मेरे को यहाँ पे आना है इस वाले पे, एंड यहाँ पे आके अपने को क्राफ्ट करने इलेक्ट्रॉनिक। एंड अभी अपना ट्रैक्टर देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक का फायदा क्या है। देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें है ना रॉकेट वगैरह ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें बनाने से पहले अपनों को न्यूक्लियर पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ना अपन ये सारी चीजें बना नहीं पाएंगे। और न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए अपनों को यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तो यूरेनियम कैसे अपन यूरेनियम बना थोड़े ना सकते क्या? यूरेनियम भी अपन जमीन से ही निकालेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला जो कोल माइनर है ना, ये जैसे कोल निकाल रहा है यहाँ से, वो वाला उधर से स्टोन यानी कि पत्थरों की खुदाई कर रहा है। ऐसे ही मेरे को ऐसा एक और पॉइंट ढूंढना है एंड वहां पे अपनों को बिल्ड करना है एक यूरेनियम माइनर। अभी मेरे को प्लेन में बैठना पड़ेगा सबसे पहले तो। एंड वेट, उससे पहले ना मैं देख लेता हूँ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ताकि ना अपन पहले ही सामान ले लेते यार, नहीं तो वहां पे जाके फिर अपन आएंगे रिटर्न। तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक के 10 पार्ट चाहिए और 200 पत्थर चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट तो अपन ना 10 ही चाहिए ना, यहाँ से बना लेंगे अपन 30 पार्ट बना सकते इलेक्ट्रॉनिक के, बताओ। तो लेट्स गो 20-30 बना लेता हूँ मैं, जितने में बना सकता हूँ। ओके डन। इतने इधर पत्थर वाले सीरीज में आके आई मीन इस माइनर से ना मैं पत्थर ले लेता हूँ। 100 पत्थर इसमें पड़े हुए हैं एंड थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इतने 100 पत्थर और आ जाएंगे उसके अंदर।
तो चलो यार सामान सारा मैंने ले लिया है, अभी जस्ट अपने प्लेन में बैठते हैं, क्योंकि मेरे को ना एक ऐसी जगह ढूंढनी है। अभी मैं चाहूँ ना तो अपने पास एक एयर बलून भी है, देख रहे हो तुम, लेकिन छोड़ो यार उसके अंदर कौन ही ट्रेवल करेगा। इससे चलते हैं अभी, इसको उड़ाते। यूरेनियम एक्सट्रैक्टर को मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, यूरेनियम तो कहीं से भी निकल जाता ना, इसके लिए थोड़ी ना स्पेसिफिक अपने को ऐसी जगह चाहिए कि वहीं से कहीं से ऑयल निकल रहा हो ऐसा कुछ। एंड मशीन चालू भी हो चुकी है बिकॉज ये कनेक्ट हो गई है इस वायर से। ओके तो यूरेनियम माइनर लगा दिया है अपनों ने, अब इससे यूरेनियम मिले ना मिले पता नहीं। तो अभी अपनों को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है जो कि एनर्जी जनरेट करेगा। स्टील इंगट और प्लास्टिक तो है मेरे पास में, मेरे को पत्थर चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक चाहिए 30, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के लिए अपने को शायद डायमंड माइन करके लाना पड़ेगा एंड काफी सारा डायमंड लाना पड़ेगा अपने को। अगर अपन इस डायनामाइट से अगर डायमंड की माइनिंग करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही फास्ट अपने को डायमंड मिलेंगे। आपने ना इसका देख लिया, ये जो ड्रिल मशीन है ना इससे इतना ज्यादा फास्ट मिल नहीं रहा, मतलब कुछ देर माइनिंग करी थी मैंने और मेरे को सिर्फ 10 लगभग 20-30 डायमंड मिले थे खाली। वेट यार मैं सोच रहा हूँ बूम बूम डायमंड बनाते आज, है ना, आई मीन डायनामाइट बनाते, इससे डायमंड कलेक्ट करना बहुत इजी रहेगा। एंशिएंट एरा के अंदर जाके बेकिंग सोडा ड्रिल करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा से अपन बना पाएंगे। लेट्स गो एंशिएंट एरा के अंदर चलते हैं जल्दी से। ऑलराइट ये आ चुके हम लोग एंशिएंट एरा के अंदर। एक बार इस एरा को देखो, ये अभी तक का सबसे बेस्ट एरा मेरे को दिखने में यही लगा था, मतलब पूरा ग्रीनरी, यहाँ पे देखो रहने वाले लोगों के घर, उधर पीछे कासल, पूरा जो कासल रहता ना प्रॉपर महल। तो हाँ ये काफी मस्त, काफी अच्छा एरा था यार। बेकिंग सोडा मेरे को जहां तक लग रहा है मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा माइन करने के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ। ये बेकिंग सोडा ये ना व्हाइट कलर का, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे आया तो था एक बहुत टाइम पहले माइन करने के लिए, लेकिन अभी ये क्या चीज है मेरे को सबसे पहले तो ये निकालनी है। एंड ये सल्फर है, ओके सल्फर नहीं चाहिए अपने को। एंड ओके वेट यार इस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो ये सल्फर मिल रहा है अपने को, अपने को कासल के अंदर जाना पड़ेगा। वेट यार मैंने कहाँ देखा था बे, मैंने इधर ही देखे थे सच में, बट अभी ना मेरे को मिल नहीं रहे वो। ओ वेट ये रह गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। माइन निकालते अपनी। एंड सोडियम बेकिंग सोडा, ओके वेट ये रह गया बेकिंग सोडा, इससे अपन बहुत जल्दी जल्दी माइन कर सकते हैं। देख रहे हो ड्रिल मशीन का काम कितना खतरनाक है, कितना कलेक्ट कर लिया मैंने, 106 वेट, बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया। डायनामाइट मेरे ख्याल से अपने को इसके लिए कोलोनियन एरा के अंदर जाना पड़ेगा, लेट्स गो चल के देखते। ओके वेट ये देखो ये केमिस्ट्री बेंच बनाई थी अपनों ने, यहाँ से अपना पटाखे वटाखे एंड काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। फटाफट से अपन ना ये बना लेते हैं, अपने तो 12 बन गए, क्या ठीक है 12, ठीक है 12 डायनामाइट काफी यार, बहुत डायमंड कर लेंगे अपन इससे। लेट्स गो आइस एज के अंदर चलते हैं। ऑलराइट तो मैं आ चुका हूँ अभी आइस एज एरा के अंदर। अभी मेरे पास देखो अगर मैं पटाखे दिखाऊँ ना तो बहुत ही कम है, 12 में अपने को कितने मिलेंगे पता नहीं। तो ऐसे फेंकते एंड बूम, वेट एक बार में इतना फटाए, एक और फेंकते बूम, यहाँ पे कोल पड़ा हुआ है, डायमंड तो मिला नहीं है। बस डायनामाइट का इतना ही मतलब है कि माइन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये देखो मतलब जितने जल्दी जल्दी फोड़ेंगे ना अपने को खुद से वो नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डायमंड होगा 100%, देखो यहाँ नीचे फोड़ता हूँ मैं। ओ मेरी हेल्थ शीट, खाओ खाओ खाना खाओ। एंड सच्ची कुछ भी नहीं यार ये फट गया। एंड एक 12 डायनामाइट फोड़ने पे एक डायमंड मिला है बताओ, इससे अच्छा तो मैं ड्रिल मशीन से ही कर लेता। अभी देखो अपन जो चीज़ बनाने वाले ना वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा बहुत ही, और इसी एनर्जी का यूज करके अपन रॉकेट लॉन्च का जो बेस होता है ना, मतलब ऐसा बेस जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं वो सब बनाने वाले, और उसके लिए अपनों को हाई एनर्जी चाहिए कि ना। ओके लेट्स गो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बन चुके हैं नाइस। एंड अभी मेरे पास में सारी चीजें है तो न्यूक्लियर, ओ वेट इसको कहाँ बनाऊंगा मैं, मस्ट प्लेस नेक्स्ट टू यूरेनियम माइनर। ओके वो जो यूरेनियम माइनर लगाया ना अभी अपनों ने उसके साइड में लगानी पड़ेगी इसको, क्योंकि न्यूक्लियर इसको पावर कौन देगा, यूरेनियम ही तो देगा। इसके यहाँ पे लगा देते हैं अपना न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने वाला रिएक्टर। ओके एंड 3, 2, 1 बूम, खैर ये बन चुका है। अभी अपने को ना रॉकेट लॉन्च पैड, रॉकेट ये जो सूट रहता ना स्पेस सूट, वो सब चीज़ें बनानी है। एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपन बहुत जल्दी स्पेस के थ्रू फ्यूचर के अंदर भी जाने वाले, यानी कि टाइम ट्रेवलिंग वगैरह करने वाले अपन। अरे इसको मार दूँ क्या मैं, हेलो यार ये कुछ भी नहीं बोल रहा अपने को, ये क्यों मारे अपने को हैं, अपने बस खाने आने की तो कमी है नहीं, फिर क्या दिक्कत है। खैर चलो यार इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते और ज़्यादा लंबी नहीं करते इनमें, अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे इस वाले एरा को। तो चलो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बाय बाय बाय।